नमस्कार, C20 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के थाना सुखावा क्षेत्र के गंगानगर में चोरों ने सोने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। सोमवार को गृह स्वामी के वापिस लौटने पर घटना की जानकारी हो सकी। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। थाना सुखावा क्षेत्र के मोहल्ला गंगानगर में रतन सिंह पुत्र मूलचंद निवासी चमकरी जिला एटा हाल निवासी गंगानगर रमेश कठेरिया के मकान में किराए पर रहते हैं। 30 जून को उनकी माता का देहांत हो गया था तो वह अपने परिवार सहित गांव चमकरी एटा गए हुए थे। जब वह 4 जुलाई सोमवार को वापस लौटे तो कमरे का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उसने तत्काल सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। मकान मालिक ने बताया कि वह अहमदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्य करते हैं। उनके बेटे दिलीप कुमार की शादी फरवरी में हुई थी जिससे सभी आभूषण घर में रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि सोने की 2 चैन 4 अंगूठी मंगलसूत्र झुमकी सहित चांदी के आभूषण कपड़े तथा अन्य सामान लगभग लाखों रुपए का चोरी कर ले गए। चोरी होने की सूचना पुलिस को कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका क्या नाम है और यहाँ क्या बात हुई है? मेरा रतन सिंह है सर। मेरी मम्मी ऑफ हो गई थी। मैं 30 तारीख को तात्कालिक यहाँ से भाग गई थी। यहाँ आके मैंने बच्चों को मैंने 2-3 दिन रखा। यहाँ आके भेजा तो देखा लॉक टूटा हुआ, पूरा डागिना मेरे घर में से पूरा कापड़ा वगैरह सही चला गया। यहाँ परिस्थिति हमारी ये है कि बिल्कुल ही हम कंगाल हो चुके हैं। लगभग कितने तक का सामान गया? हमारा लगभग 14 से 15 के रिफेयर में सामान है। बोले 1000 के नहीं, लाख के करीब। घर में कोई नहीं था क्या? घर में कोई नहीं था। हमारे सिर्फ बच्चे हमारे साथ में थे। 2 बच्चे हमारे अहमदाबाद से, वो अभी हमारी मम्मी डेथ वाली हुई है, उसके बाद में आए हुए हैं।